जेईई मेंस की अनाउंस हो गई है डेट। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो न्यूज थी 100% करेक्ट है। जेईई मेंस लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल दो बार होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला था। अब सीयूईटी और नीट की डेट भी आ जाएंगी। एक्सपेक्टेड है कि नीट का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मे, फर्स्ट संडे ऑफ मे यानी 7 मई को होगा। एनटीए ने अभी तक ये डेट्स अनाउंस नहीं किए। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी आ जाएगी, पर एक चीज जो प्रॉब्लम है वो ये है, खुद को फॉल्स होप मत दीजिए। जून में होगा, जुलाई में होगा, मैं ये सोचता हूं, मैं वो सोचता हूं। यदि आपको लगता है कि मुझे डेट के डिस्कशन में नहीं पढ़ना, दैट इज परफेक्टली ओके। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जैसा हम रेगुलरली बोलते रहे, सिलेबस कंप्लीशन का जो टारगेट है वो 31 मार्च रखिए, वो 31 मार्च रखिए, है ना। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, अच्छी बात है। लग नहीं रहा जब जेईई मेंस का डेट अनाउंस हो गया कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ मे में एग्जाम होगा, ठीक है। एक चीज जिसमें मैं स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हूं देखने में, जेईई मेंस का एक बार थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाता है, सिलेबस क्या है। स्कूल्स के अंदर 11th और 12th के अंदर सारे चैप्टर्स कवर नहीं किए गए, तो उनको जेईई में या नीट में किस बेसिस पे पूछा जा रहा है, दैट फॉर मी इज अ मिस्ट्री। पर हर साल पिछले 2-3 साल से, जब से कोविड की कहानी चालू हुई है, सिलेबस रिडक्शन की चीजें चालू हुई है, रिड्यूस सिलेबस नहीं आया, पूरा सिलेबस आया। हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, पर यह चीज मैं जानना चाहूंगा पर्सनली। मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया, कोर्ट में जाने का टाइम नहीं है, एंथू नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन टू कोर्ट एंड आस्क्ड कि किस बेसिस पे स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाते और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, किस बेसिस पे। और जब सारे लोग कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, चाहे आईआईटी, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनसे पहली चीज ये पूछी जाती है कि तुम कोचिंग से पढ़ के आए हो क्या, और सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। और कोचिंग से ना पढ़ के जाए तो स्कूल में पूरा पढ़ाते नहीं है, है ना। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सरकार ये कैसे इंश्योर करती है कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं पर एग्जाम में पूरा दे देंगे। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अल्टीमेटली टाइम कम बचा है, ठीक है। यदि हम 7 मई को एक्सपेक्टेड मान लें, एक्सपेक्टेड नीट 2023, अब से लेके करीब 21 वीक्स बचते हैं, और 31 मार्च की बात करें तो 17 वीक्स है। फोकस रखिए गाइस, ठीक है। हमारी कोशिश इस प्लेटफॉर्म पे यही होगी कि हम आपको रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, आपके डेली एमसीक्यू वर्कआउट चल रहे हैं, आपके पास टारगेट बैच है, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास। फोकस रखिए, हमने बुक्स निकाल दी आपके लिए, जिससे आप यदि फिजिकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन से कंफर्टेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल है, आप अमेजोन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी 12th की बुक्स की भी लिस्टिंग कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री रेडी हो गई है ऑफिस में, पर थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। 12th की बायो बुक के ऊपर काफी सारा टाइम जा रहा है, होपफुली वो भी फिक्स हो जाएगा। पर गाइस आपके पास ये जो लिमिटेड साधन है ना, वापस याद दिला देता हूं, जो भी आप थ्योरी कर रहे हो, थ्योरी करते हुए नोट्स ले लिया, ये नोट्स बाद में रिवीजन के काम आएंगे। फिजिक्स का केमिस्ट्री का चैप्टर है 100 to 150 क्वेश्चंस, बायो है 150 to 200 क्वेश्चन, और अब से लेके नीट एग्जाम 21 हफ्ते में लेट्स से करीब 25 मॉक टेस्ट। इतना कर लो यार, है ना, फैंटम मत बनो, सारी चीजें करने की कोशिश मत करो, मतलब ये मत सोचो कि जिंदगी कुंजी है, और आप ज्यादा करोगे तो चांसेस अच्छे हैं कि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन वो बोलते ना अटक जाएगा, है ना। अटकने वाले एटीट्यूड से मत करो, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सारी चीजें कर लूं, सारी चीजें करने का टाइम नहीं है। लिमिटेड चीजें, फोकस रखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, देखो इतना सा है ना, ज्यादा मत करो, दैट इज इनफ। हम आपको रेगुलरली यहाँ पे सपोर्ट करते रहेंगे, डेली 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 बेसिस पे, हम थकेंगे नहीं, आप थको मत, लिमिटेड टाइम बचा है। ये डिसाइड करेगा अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, अगले 40 साल क्या आप वो करेंगे जिसको करने का आपका पैशन था, सपना था, या वो करेंगे जो आपकी लेजीनेस, आपके डिस्ट्रैक्शन ने आपसे कराया। मर्जी है आपकी, आपसे कमिटमेंट चाहिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में फोकस रहेंगे और लिमिटेड चीजों पे फोकस रहेंगे, ठीक है बच्चों।